हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी होस्ट अनु झा और आपने ट्यून किया है अपना चैनल झा अनु क्रिएशन। ये आप सबका ही चैनल है और इसे आप सब लोग जितने मनोयोग से देखते हैं और चाहे इसको ये करते हैं उतना जितने ही आप इसको अपने दिल से लगाएंगे, अपने मन से लगा के इस चैनल को चलेंगे, उतना ही ये चैनल जल्दी ग्रो होगा। तो आप अपने कॉमेंट से मुझे कृतार्थ करें ताकि मैं आगे भी और भी तरह के और आप लोगों के हिसाब से, आप लोगों के मन के हिसाब की वीडियो लाया करूं। तो आज मैं लेके आई हूं, काफी दिनों से मैं हॉल वीडियो कर रही थी, आज मैं लेके आ रही हूं साड़ी रिव्यूज। मेरे पास देखे क्या था कि कॉटन की, कई आप लोगों के पास भी होगा, कॉटन की साड़ियां होती है और वो कॉटन की साड़ी हम जो है वो बहुत कम पहनते हैं और पहनने में थोड़ी सी प्रॉब्लम भी होती है। कई बार जो है वो पहनते हैं कभी, लेकिन कॉटन की साड़ी थोड़ी जल्दी ही ये बुचर भी जाती है और ये भी हो जाता है, लेकिन कॉटन का ड्रेस जो होता है वो पहनने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैंने पहले भी आपको कॉटन साड़ी रिव्यूज दिखाया था और आप लोगों का ही रिक्वेस्ट था किसी का कि आप कॉटन साड़ी रिव्यूज भी दिखाएं। तो आज मैं कॉटन की साड़ी का रिव्यूज लेके आई हूँ। पहले भी दिया हुआ है, आप पहले के वीडियो में भी देख सकते हैं। और अभी मेरे पास क्या था कि एक ऐसी ये साड़ी थी, ये देखिए फ्रेंड, ये साड़ी थी, इसका इस तरह का प्रिंट था और इसका पल्ला मैं आपको दिखाऊंगी अभी। उससे मैंने क्या किया है, बचे हुए कपड़े से भी मैंने कुछ कर लिया है तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। वो भी रियूज DIY कर लिया, वो भी मैं दिखाऊंगी आपको। तो ये साड़ी इस तरह की थी और ये सेम साड़ी मेरे पास एक्चुअली दो हो गई थी, एक येल्लो कलर में और एक रेड कलर में। तो रेड कलर वाली साड़ी जो थी वो थोड़ी ज्यादा पहनी जा चुकी थी तो मैंने सोचा चलो रेड वाली रहने देती हूँ, रेड वाली को ही पहन ही लूंगी। और ये साड़ी को मैंने रियूज कर लिया, तो इस साड़ी को रियूज किया। इसका पल्ला जो था ना फ्रेंड वो इस तरह का था, ये देखिए ये जो पल्ला ये दिख रहा है, इस तरह का पल्ला था इसका और पूरी साड़ी इस तरह की थी और बॉर्डर इसकी जो थी वो ये थी। ये देखिए ये आपको बॉर्डर दिख रहा होगा, ये बॉर्डर थी। प्रिंट बहुत ही खूबसूरत सा है और गर्मियों के हिसाब से कलर भी बहुत प्यारा था। तो मैं ये ड्रेस है तो ये देखिए इस तरह का मैंने इसको इस तरह का ये ड्रेस बना लिया। ये देखिए बहुत ही प्यारा और बहुत खूबसूरत लगता है ये ड्रेस, जब पहनते हैं ना तो बहुत ही अच्छा आता है। तो इस तरह का ये ड्रेस हमने तैयार कर लिया है। बाजू इतनी सी डाली है, 3/4 भी नहीं है, 3/4 से थोड़ा सा यहाँ तक का बाजू है ये, ठीक है। यहाँ गर्मियों के हिसाब से ही बनाया है तो यहाँ तक की बाजू है इसमें। और इसमें लाइनिंग भी मैंने कॉटन की दी है और ये बॉर्डर जो पूरा था ना, ये बॉर्डर को पूरा मैं यहाँ से लेते हुए नीचे तक लेके गई हूँ और बीच में ये पल्ले वाले पोर्शन का एक फ्लावर काट के ना, इसमें बीच में एक पल्ले वाले फ्लावर का काट के मैंने इसमें एडजस्ट किया है जिससे कि इसके नेक के ऊपर ये डिजाइन आ जाए। और इसमें कहीं भी मैंने लेस वगैरह का यूज नहीं किया है, बस कॉटन का कपड़ा लगाया है। ये देखिए आपको दिख रहा होगा कॉटन का कपड़ा इसमें लाइनिंग में, तो इस तरह से करके और इसको गैदर कर में बनाया है मैंने, इसको हल्के गैदर में चुनर हल्का हल्का प्लेट डालते हुए इसको तैयार किया है, ठीक है। और आगे के तरफ में मैंने आगे यहां तक जो है वो बिल्कुल प्लेट टमी एरिया तक मैंने प्लेट नहीं दिया है बिल्कुल ही। इसको प्लेट मैंने जो शुरू किया है वो साइड बस्ट से शुरू किया है, यहाँ से प्लेट शुरू करते हुए पीछे तक मैं पूरा ही प्लेट ले आई हूँ। इससे इसका जो है ना वो फ्लेयर भी बहुत अच्छा हो गया और हमारा टमी एरिया पे भी ये बल्क नहीं आता है, बिल्कुल ही कुछ भी नहीं आता है, तो ये काफी अच्छा लगता है देख के। तो ये इस तरह का ड्रेस बना है, मैं इसका एक ये देखिए फ्रेंड, और काफी लंबाई काफी अच्छा बन दिया है हमने इसको, लंबा अच्छा दिया है और आगे से इसका थोड़ा सा स्लिक छोड़ा है, ठीक है। क्योंकि इसको आप डेनिम वगैरह पे भी पहनना चाहे तो पहन सकते हैं, स्कर्ट पे भी पहने या किसी भी प्लाजो वगैरह के साथ पहने, बहुत खूबसूरत लगेगा। व्हाइट के साथ भी पहने, मस्टर्ड सेट के साथ भी पहने, तो ये किसी के साथ भी पहने तो बहुत अच्छा दिखेगा। तो ये देखिए ये इस तरह का ये हमारा जो है वो कुर्ता तैयार हुआ है। देखिए बैक भी मैं आपको दिखा दूं, बैक से छोटा सा राउंड नेक दिया गया है, बैक से ये देखिए बैक से बस छोटा सा राउंड नेक दिया गया है, आगे से ये भी नेक देते हुए, ठीक है। और इस बीच में ये डाल दिया गया है, इसकी वजह से इसका जो है वो लुक जो है वो आपका लॉन्ग भी आ रहा है, तो इससे आपका इल्यूजन जो है वो लॉन्ग क्रिएट होता है, जैसे देखिएगा। और मैं नेक्स्ट जो आपको ड्रेस दिखा रही हूँ वो भी कॉटन साड़ी की है। ये मेरे पास काफी पुरानी कॉटन की साड़ी थी और ये बिल्कुल ऑरेंज कलर की साड़ी थी और इसका बॉर्डर जो था ऊपर नीचे दोनों ही ये बॉर्डर था, ठीक है। ये देखिए ये वाला व्हाइट कलर का बॉर्डर था सिल्वर, तो ये बहुत अच्छा था है
और बिल्कुल ही खराब नहीं हुआ था और मतलब बिल्कुल ही ऐसा बहुत कम पहना गया था ये साड़ी। तो कॉटन की साड़ी एक्चुअली पहनी कम जाती है, एक तो सूट पहनते हैं, साड़ी पहनते ही नहीं है, दूसरी पार्टी वगैरह में जो जब पहनते हैं चाहे किसी चीज में ऐसे में पहनते हैं तो कॉटन की नहीं पहने, पूजा में यदि कॉटन की पहन के जाएंगे तो वो नीचे बैठो पूजा में तो वो मुचर जाता है बिल्कुल ही, कैसे क्रस्सा हो जाता है तो फिर अच्छा नहीं लगता है, तो इस वजह से नहीं पहन पाते हैं। लेकिन कुछ मैं कॉटन की साड़ियां रखती हूँ जो कि कहीं मतलब ऐसे जैसे ससुराल वगैरह जाती हूँ तो सिर पे पल्ले रखने में कॉटन की साड़ी बड़ी अच्छी लगती है, तो वो मैं जरूर रखती हूँ, उसके लिए मैं रखती हूँ, तो वो कॉटन की साड़ी तब मैं पहनती हूँ। तो देखिए इसको मैंने क्या किया, इसको देखिए इस तरह से बनाया और गले नेक पे ये डाल के बाजू में देखिए ये डाला, ये बॉर्डर यूज कर लिया है, बाजू में है लाइनिंग नहीं है और पूरे में लाइनिंग डाला हुआ है इसका, ठीक है। इसका लाइनिंग भी मैंने साड़ी का ही यूज किया है फ्रेंड, क्योंकि ये पूरी साड़ी से ही मुझे इसे ड्रेस ही बनाना था, तो लाइनिंग भी मैंने इसका जो है वो इसी का बनाया है, तो ये इससे बन गया। तो ये देखिए इस तरह से लाइनिंग इसी का यूज किया, मैं आगे भी आपको दिखाती हूँ। और ये बॉर्डर जो था ना, इस बॉर्डर को पूरा ही मैंने देखिए ऐसे यहां से लेते हुए, इधर से लेते हुए आगे और पीछे, ठीक है, पूरे साइड मैंने इसको घुमा दिया बॉर्डर को, क्योंकि बॉर्डर बहुत था, ऊपर नीचे दोनों ही था और बॉर्डर कहीं से भी खराब नहीं हुआ था, तो बहुत ही प्यारा लग रहा था। तो मैंने इसको देखिए यहाँ से जो बॉर्डर स्टार्ट हुआ आगे के पोर्शन में ही भी पूरा मैंने ये दोनों साइड का बॉर्डर ले लिया, तो ये चौड़ा हो गया और नीचे जितनी बॉर्डर आ रही थी वो पूरा ही मैंने आगे पीछे दोनों ही घुमा के इसको मैंने ले लिया है। तो ये इस तरह से, ये देखिए इसका फ्लेयर भी इसलिए बहुत ज्यादा आ गया, ठीक है, क्योंकि अम्ब्रेला कटिंग में, अम्ब्रेला में कटिंग किया गया और इसका बॉर्डर लिया गया। ये देखिए इसका फ्लेयर भी बहुत आ गया और आगे और पीछे देखिए, पीछे भी इसका जो है ना वो पूरा ही बॉर्डर लिया गया है। तो इस तरह से ये ड्रेस तैयार हुआ, तो ये भी बहुत खूबसूरत सा ड्रेस है, ठीक है। और एक ड्रेस मैं आपको पहले दिखाई थी लेकिन वो भी कॉटन साड़ी का है, तो मैंने सोचा एक बार आपको वो भी दिखा दूं, क्योंकि वो भी आप भूल गए, इसी तरह का ड्रेस है। तो साधारण सी भी साड़ी हो, इसको तो मैंने काफी पहना है, गर्मियों में काफी पहना है मैं नहीं इस साड़ी, इस ड्रेस को। तो ये देखिए ये येलो कलर की मेरी साड़ी थी, ऐसी चकोड़ वाली साड़ी थी, कई लोग बोलते हैं इस तरह की साड़ी होती है उसका क्या करें, तो इसको भी मैंने सबसे पहले इसी को मैंने बनाया था, कि मैंने सोचा कि कॉटन की साड़ी का बना के देखूं, तो सबसे पहले मैंने इसी का बनाया था और पहनने इसकी भी, इसको भी लाइनिंग देखिए, मैंने इसका मैंने लाइनिंग आपको नहीं बताया, देखिए फ्रेंड इसका लाइनिंग जो है ना वो मैंने इसी साड़ी का दिया है, ये देखिए, ये देखिए लाइनिंग जो है ना वो पूरी ही इसी साड़ी का मैंने इसमें लाइनिंग यूज कर लिया है ऊपर से नीचे तक, क्योंकि मुझे एक्स्ट्रा नहीं लेना था, तो ये कॉटन की ही साड़ी थी और कॉटन कॉटन का ही तो लाइनिंग देना था। तो ये देखिए इसका लाइनिंग जो है वो यही है, ये देखिए ये लाइनिंग है, तो लाइनिंग भी मेरा इसी में हो गया, तो एक साड़ी में ही पूरा मेरा ये खूबसूरत सा ड्रेस बन के तैयार हो गया। और एक ये साड़ी, ये तो मैं आपको दिखा चुकी थी फिर भी मैं एक बार दिखा देती हूँ, इसमें भी मैंने लाइनिंग जो है वो इसी का यूज किया है, साड़ी का ही यूज किया है। तो आप कई बार ऐसा होता है ना कि आप साड़ी है और बनाना है कुछ पुराना साड़ी है, तो इसको भी मैंने अम्ब्रेला में कटिंग लिया था और इसमें भी ये आगे का पोर्शन थोड़ा सा ओपन छोड़ा था, तो ये देखिए इस तरह का। और पहनने में गर्मियों में ये सब बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत प्यारा लगता है, पहन के मजा आ जाता है कि हाँ लगता है कि बिल्कुल हल्का सा कॉटन की साड़ी का है ना और बिल्कुल सॉफ्ट हो गया। अब इसमें मैं क्लब वगैरह नहीं डालती हूँ और ये चरखाने वाली साड़ी की है, तो इससे देखिए इसका ये बहुत ही अच्छा अम्ब्रेला में कटिंग हुआ, तो इससे इसका जो है ना ये बहुत ही अच्छा आ गया है। तो इसको ज्यादा क्या बताना, क्योंकि ये तो पहले भी मैंने आपको बता दिया है। तो ये देखिए इस तरह का है, तो कैसा लगा आप लोगों को जरूर बताइएगा, और थोड़ा सा भी आप लोगों को मेरा वीडियो यूजफुल लगता हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मैंने आपको आज जो है वो ये ड्रेस दिखाए और ये ड्रेस दिखाए। अच्छा हाँ, मैं इसके इसका जो कपड़ा बचा था फ्रेंड उससे मैंने क्या किया वो मैं बताती हूँ। उसके कपड़े से देखिए मैंने एक मेरे पास इस तरह का डब्बा पड़ा हुआ था, गत्ते का डब्बा पड़ा हुआ था, तो इस साड़ी से जो बचा हुआ था इससे मैंने क्या किया ये ट्रे बना दिया और पल्ला उस साड़ी का ये था, तो इसको मैंने यहाँ ले लिया क्योंकि पूरा ये कम पड़ रहा था, तो इस तरह से इसको कवर अप करके मैंने इसको ये बना दिया। अब इसमें क्या होता है, आप कुछ भी रखिए, ठीक है, मैं तो वैसे लैपटॉप वगैरह रखती हूँ, लैपटॉप के वायर हो गए, मोबाइल चार्जर हो गए, तो ये सब चीजें इसमें बहुत अच्छे से आ जाता है, तो इकट्ठा एक जगह रखा रहता है, तो मैं तो इसमें इस तरह के रखती हूँ। आप इसमें जो है वो कुछ भी रख सकते हैं, कपड़े वगैरह रख सकते हैं, यदि छोटा बनाया है इसको कंपार्टमेंट में यदि हम कर देते हैं तो एक तरफ आप बच्चों के छोटे छोटे कपड़े रख सकते हैं, अपने भी छोटे कपड़े जो होते
होते हैं वो अंडरगार्मेंट्स वगैरह रख सकते हैं, तो बहुत यूजफुल हो जाता है। तो ये साड़ी का ये बचा हुआ था, तो मैंने कहा कि इसका जो बचा हुआ पोर्शन है उसका भी मैंने DIY कर लिया है। तो एक दिन बैठी थी तो ये मुझे गत्ते का डब्बा मिल गया, तो ऊपर का तो हटा दिया मैंने इसके कवर से, और इसको मैंने इस तरह से बना लिया। तो देखिए ये कैसा लगा आप लोगों को जरूर बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय, सी यू।